हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री ऑनलाइन। दिस क्लास इज फॉर 11। टुडेज टॉपिक इज लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा कि कोई भी रेडिएशन होती है तो उसमें जो लाइट होती है वो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करती है। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी लाइट की वेव प्रॉपर्टी को तो एक्सप्लेन कर रही थी, जैसे इंटरफेरेंस जो हो रहा है, डिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है, इन सब को लाइट की वेव थ्योरी एक्सप्लेन कर रही थी। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी जिसको लाइट की वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर रही थी। उसमें से जो पहली प्रॉपर्टीज थी वो थी फिनोमिना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती है उसकी फिनोमिना कैसे हो रही थी इसको एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी नहीं कर पा रही थी। उसी तरह से यहाँ पे द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, ये क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही थी। उसी तरह वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी, जो हीट कैपेसिटी है ऑफ ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, वो क्या है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसका क्या होता है, फंक्शन का चेंजिंग होता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होती है, हीट कैपेसिटी होती है, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। उसी तरह द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम, कोई भी एटम का जो लाइन स्पेक्ट्रा हो रहा था उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। यहाँ पे रेफरेंस में जो लिया है हमने हाइड्रोजन की लाइन स्पेक्ट्रा को लिया, यानी इन सारी फिनोमिना को अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को वेव के फॉर्म में सिर्फ मानते हैं तो ये सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थोड़ी सी इसकी लिमिटेशन आ गई इन सारी इफेक्ट की वजह से, जिसमें से पहला है हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, और जो दूसरा है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, और जो तीसरा हमारा है वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी हीट कैपेसिटी होती है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या होती है, होती है। और उसी तरह लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम का जो लाइन स्पेक्ट्रा है वो क्यों कैसे आ जाता है इसको एक्सप्लेन नहीं किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को। तो इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ चेंजिंग किया गया इस लॉ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि बताया गया था कि वेव के फॉर्म में चल रही है, तो इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को हमें ड्यूअल नेचर मानना पड़ा कि वो वेव की भी तरह काम करता है एज वेल एज पार्टिकल की भी तरह फंक्शन करता है, यानी उसका एक ड्यूअल बिहेवियर होता है। तो इसलिए हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो होगी ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में जान लें। मान लीजिए ये एक लाइट है, वाइट लाइट है, ये क्या है, वाइट लाइट है, जिसके अंदर सारी वेव है, बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और वो क्या हो रही है, एक बॉडी पे फॉल कर रही है। ये एक बॉडी है, कोई भी बॉडी मान लो आप, ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉल करती है तो ये तीन फिनोमिना दिखाती है। कितनी फिनोमिना, तीन फिनोमिना। या तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, या तो इसको क्या करेगी, ये रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो इसी रिफ्लेक्टिंग की वजह से ही हमें कोई भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, कलर दिखाई देता है। इसके रिस्पॉन्स में हमें क्या मिलेगा, कलर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल समझ ले, जैसे इस समय मेरे शर्ट का कलर ये दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है तो इसमें से जो जिस कलर की लाइट को आपकी आंखों में रिफ्लेक्ट करेगी वही कलर ये दिखाई देगा। तो विजिबल रेंज में सात कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज और रेड, ये सातों कलर में से कोई भी कोई कलर दिखाई देगा। और मान लीजिए अगर ये कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं करती है तो वो बॉडी हमें कैसी दिखाई देगी, ब्लैक दिखाई देगी।
कैसी दिखाई देगी? ब्लैक, कोई रिफ्लेक्शन ना हो, यानी रिफ्लेक्शन के बाद कोई हमारी आंख में लाइट या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं जाएगी, तो कोई भी कलर नहीं दिखाई देगा, वो ऑब्जेक्ट हमारा ब्लैक दिखाई देता है। और एक तीसरा जो फिनोमिना होता है वो ट्रांसमिट होगा। क्या होगा? ट्रांसमिट मतलब ये लाइट यहाँ पे फाल की, या तो ये क्या करेगा, कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया, या तो ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, या तो ये क्या करेगा, लाइट यहाँ से इंटर की और यहाँ से निकल के आ जाएगी, उसी को बोलते हैं ट्रांसमिट। तो ये तीनों फिनोमिना होती है कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर किसी भी बॉडी पे फॉल करती है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। तो मान लीजिए अगर हमारी कोई बॉडी है वो क्या करती है, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले, क्या कर ले, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है ना, वो सारी क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले, या सारी वेव को क्या कर दे, हीट करने पे वो सारी वेव को निकालती है। तो ऐसे बॉडी को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं, यानी वहां से जो एमिशन रेडिएट होता है उसी को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मान लीजिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो रही है और इसको हमने ब्लैक बॉडी मान लिया, क्या मान लिया, ब्लैक बॉडी मान लिया, तो ये क्या होगा, परफेक्ट एब्जॉर्बर होगा, यानी ये सारी की सारी वेव को क्या कर लिया, इसने एब्जॉर्ब कर लिया, ये क्या है, परफेक्ट एब्जॉर्बर हो गया। तो एब्जॉर्ब करने के बाद ये सारी वेवलेंथ को या सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या कर देगा, निकाल देगा, यानी इमिट भी करेगा। तो यहाँ पे जो इमिट होता है वहां पे इमिट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन होगा, और रेडिएशन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो इस टाइप के बॉडी को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो इसको आप नोट कर सकते हैं डिफिनेशन में। तो ब्लैक बॉडी होती क्या है या ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे मैंने नोट किया है कि द आइडियल बॉडी, मान लीजिए ये एक आइडियल बॉडी है, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ये आइडियल बॉडी है। इसको आइडियल क्यों कहा गया, कि जो विच इमिट्स एंड एब्जॉर्ब ऑल फ्रिक्वेंसी, जो क्या करे, सारी फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब भी कर ले, सारी फ्रिक्वेंसी को इमिट भी कर दे। मान लीजिए यहाँ से बहुत सारी क्या हो रही है, फ्रिक्वेंसीज आ रही है, या बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, इन सबको ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब भी कर लिया, ठीक है। और इसने क्या किया, इन सारी फ्रिक्वेंसीज को क्या किया, इसने इमिट भी कर लिया। तो ऐसी बॉडी को, इस वाले बॉडी को हम क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी, क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी। अब एंड द रेडिएशन इमिटेड, यहाँ पे जो इमिटेड रेडिएशन हो रही है, यानी यहाँ से जो रेडिएशन इमिट हो रही है, तो इस वाले फिनोमिना को हम बोलेंगे सच ए बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यानी द रेडिएशन इमिटेड बाय ए सच ए बॉडी, ऐसी रेडिएशन जो ऑल फ्रिक्वेंसीज की निकले किसी भी बॉडी से, वो क्या कहलाती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट मैंने लिया, इस पे बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज इमिट हो रही है, यहाँ से बहुत सारी सारी फ्रिक्वेंसी क्या हो रही है, निकल रही है, तो ऐसी बॉडी को हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जहाँ से हर फ्रिक्वेंसी निकल रही है, तो उसे हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन।